सर क्या किरदार निभा रहे हैं फिल्म में? एक्चुअली द फिल्म इज ऑल अबाउट टेररिज्म, कि मतलब कैसे टेररिस्ट लोग देश के लिए खतरा है और कैसे हम मतलब आज की जो यूथ है वो कैसे उसे बदल सकती है, कैसे उनको सही रास्ते पे ला सकती है। एंड इन दिस केस जो रोल मुझे ऑफर हुआ था, इट इज़ अ बिलाल मकसूद खान हु इज लाइक इतना खतरनाक कैरेक्टर है कि मतलब पसीने निकल जाते हैं इंसान के उसकी शक्ल देख के, उसके आवाज़ सुन के, उसके जो मतलब जो काम करता है वो उससे। और इस फिल्म के लिए जब ऑडिशंस वगैरह हो रहे थे, करीब 1000 ऑडिशन हुए थे जिसमें से 200 लोग शॉर्टलिस्ट हुए, उसमें से मैं था, मैं लकी समझता हूँ अपने आप को। फिर राउंड्स होते गए फाइनल राउंड में सर ने कहा कि आपको जो मेन टेररिस्ट है खान वो प्ले करना है। तो मतलब ये तो मेरे लिए बहुत बड़ा ऑनर था एक्चुअली राजेश सर के साथ काम करना। पहले मैंने थिएटर किया था, इंडियन नेशनल थिएटर 4 साल तक किया था। उसके बाद जब ये स्क्रिप्ट आई और ये जो कैरेक्टर पढ़ा मैंने, तो उसके बाद मैं मतलब वन लाइन में इतना बता सकता हूँ आपको कि इफ़ यू वॉच दिस फिल्म और इवन अ ट्रेलर, यू विल रिमेंबर मी फॉर एवर। व्हाट मैसेज डू यू वांट टू गिव द मैसेज, क्या देंगे ऑडियंस को? ऑडियंस को बस ये मैसेज देंगे कि देश के लिए सबसे पहले, हालांकि मैं किरदार जो निभा रहा हूँ वो अलग है, पर इसके जैसे ना बने और अपने देश के लिए कुछ करें, क्योंकि देश से हम हैं और हमसे देश है। थैंक यू सो मच सर। Sir, the moment we see the name of your film, the title of your film, it feels like the film is about romance. Tell us a little bit what the film is all about. Though we heard it from your star cast. Yeah, it is from love as well. इसमें प्यार का बहुत अच्छा उसमें दिया सबूत गया, how the girl sacrificed. एक लड़का है जो कि is look like playboy की तरह है. He never know क्या love क्या है. He using the girls daily like a shirts, right? But एक लड़की आती है, उसकी ज़िंदगी को बदलती है। लव इज़ देयर एज़ वेल, बहुत अच्छी लव स्टोरी भी है। एंड दैट कैरेक्टर इज़ प्लेइंग बाय मी। या या शी इज़ द वन। एक्चुअली स्टोरी इज़ या एक्चुअली सर इज़ सेइंग कि दीवानगी नाम दिया गया है। यस, इट्स ऑल अबाउट दीवानगी, इट्स ऑल अबाउट लव, बट इट्स अबाउट लव फॉर द कंट्री। फॉर हाँ जी हाँ, तो द लव इज़ अबाउट आर कंट्री, हमारे देश के लिए जो प्यार है वो दीवानगी है। हाँ, इसमें लव स्टोरी भी है, क्योंकि बिना लव स्टोरी के कोई कहानी बनती नहीं है। फिल्म की अगर बात करी जाए, एक ऐसी ही फिल्म कुछ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, द कल्ट, वेरी कल्ट मूवी, एवरीवन नोज अबाउट, मिस्टर आमिर खान, आई हैव डन इट, रंग दे पसंदी, डू वी एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दैट कमिंग आउट ऑफ दिस फिल्म? देखिए, मोर देन दैट, हाउ कम, मोर देन दैट, हाउ कम, हाउ कम, क्योंकि मैंने जो अभी It's all new. Heaps of people just telling me, you're spending a lot of money. Why are you just looking for this new boys? I'm looking these new boys from last 7 months. And this is my 5th trip to India from New Zealand, just to looking after these boys. I'm not for India. ये पूरे world को हम ये message देना चाहते हैं कि terrorists को बंद कर, उनको वापस आए, प्यार मोहब्बत अपने परिवार में आए, एंड वील डू इट एंड वील रॉक द फिल्म। एंड आई थिंक कि हर फिल्म का एक मोटिव होता है, हर फिल्म की एक अपनी इम्पोर्टेंस होती है, सो देर इज़ नो कंपैरिजन विद एनी अदर फिल्म। हर फिल्म अपनी जगह है, हमारी फिल्म अपनी जगह है और हमारी फिल्म अपनी जगह अपने तरीके से बनेगी, वो जरूर लोगों को पसंद आएगी, हम कोशिश पूरी करेंगे, बट येस देर इज़ नो कंपैरिजन विद एनी अदर फिल्म। Jitendra, Jagdeep, they came to wish you all the best. How do you take it? Is a legend like Jitendra, he believes in your film, in your product. What it is about that? We are lucky. Actually, we take ourselves lucky. Yeah, lucky. And we are very positive yeah. For our film, for everybody who are taking participate in this film. And all the actors, we are taking everything very positively. ठीक है, हम लोग कोशिश करेंगे कि अच्छा निकल के आए, पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब ऊपर वाले का है, ऊपर वाले ऑडियंस है। What message do you want to give to the audience? Why they come and be a part of ये दीवानापन, ये दीवान? What message do you want to give to the audience? The main message we have to give to the audience: come forward, shake the hands, spread the love in the world. Yes, actually मैं राजीव सर से पूरी तरह से सहमत हूँ, क्योंकि आजकल जनरेशन बहुत हद तक काफ़ी अलग अलग चीज़ों में इन्वॉल्व है, एंड बहुत मैं खुद आफ्टर साइनिंग दिस फिल्म आई रियलाइज कि ये भी एक चीज़ है जो हम भूलते जा रहे हैं, ये भी एक चीज़ है जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए। और प्यार सबके मन में है, बट प्यार हमारी कंट्री के लिए भी है,
तो आगे बढ़िए, आइए, और ये एक ऐसा मुद्दा है जो उठे तो मुझे लगता है कि हमारी कंट्री के लिए बहुत अच्छा होगा, क्योंकि अभी तक बहुत तरह के लॉज बने हैं, बट मुझे लगता है टेररिज्म के लिए इस तरह का कोई लॉज जहां उनको स्पेस दी जाए, जहां उनको जगह दी जाए कि वो आगे आए, हम लोगों से मिले, हमसे बात करें और एक आम इंसान की तरह रहें, ये मुद्दा और ये लॉ जो है ये अभी तक इतना अच्छी तरह से सामने नहीं आया, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि ज़्यादा कुछ नहीं बट हमारी इस फिल्म के थ्रू लोगों तक ये मैसेज पहुँचे कि यस देर इज़ दिस काइंड ऑफ टॉपिक ऑल्सो जिस पर हमें ध्यान देना चाहिए और खास तौर पे जनरेशन के लिए, यूथ के लिए. थैंक यू सो मच. सो नाइस ऑफ यू. बी देयर सर. बी देयर.